करुणावतार हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय सुरसुदेवै प्रिया ऐके सवस्तच कृष्णभक्ती प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः तमाहि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवतं स्वरूपम् हरि बोल नमस्कृत नरञ्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमभिरये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ धर बोल हरि कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम हरे राम राम हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताएं भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे, स्वर्णकाद ऋषियों ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न की थी। छह प्रश्न में जो दूसरी प्रश्न थी, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, जिसका उत्तर में श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकूत भयम् योगिनां नृपनिर्मित हरे नामानुकीर्तन। कलयुग में जितने वेद जितने पुराण जितने इतिहास सबके सब एक ही बात बताए, भगवान की पाने का सबसे सरल उपाय ठाकुर जी का नाम है, ठाकुर जी की नाम कीर्तन करनी चाहिए। देखो रामायण की एक कथा सुनो। एक समय कहते सुकांत नाम का एक राजा था, वो जा रहा था सत्संग के लिए। सुमेरु पर्वत में बड़े बड़े संत लोग इकट्ठे हो रहे थे और जाते जाते बीच में नारद जी मिल गए। हमको पता है नारद जी क्या करते हैं, क्या करते हैं, झगड़ा लगा देते, इसलिए नारद जी की बड़े बदनामी है। लेकिन ऐसे बात नहीं, नारद जी ऐसे कुछ काम करते हैं जो प्रभु की कोई नई लीला प्रकट होती है, फिर आनंद लेते हैं, लीला दर्शन करके आनंद लेते हैं। नारद जी ने पूछे भैया कहाँ जा रहे हो, बोले सुमेरु पर्वत में आज बड़े बड़े संत लोग एकत्रित होंगे, सत्संग होगा। बोले बेटा सत्संग में जा रहे हो जरूर संतों का चरण स्पर्श करना, बोले आप लोगों को तो यही सिखाए।
सर्वप्रथम संतों को चरण छूनी चाहिए। जब फिर जा रहे थे इधर सुना, बोले बताओ क्या बात है, बोले सारे संतों का चरण तो स्पर्श करना, वहां पर देखना विश्वामित्र भी उनकी चरण को स्पर्श नहीं करना। बोले क्यों, जब सबको प्रणाम करूंगा उन्हें भी प्रणाम करूंगा। बोले बोल दिया ना, वो भी पहले क्षत्रिय ही थे लेकिन उन्होंने तपस्या करके उन्होंने क्षत्रिय से पार कर ब्रह्मर्षि बने, इसलिए उनकी चरण छूने का कोई जरूरत नहीं। बोले ठीक है। वो गए, सारे संत बैठे हुए थे, उन्होंने सबका चरण को स्पर्श की लेकिन बीच में केवल विश्वामित्र की चरण को स्पर्श नहीं की। आपको पता विश्वामित्र कितना तेज है। जब सत्संग समाप्त तो हुई, सीता सुमेरु पर्वत से वो आए अयोध्या। वहां पर प्रभु राम विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मण लाल वहां पर पहरादारी दे रहे थे। बोले अभी अभी मैं प्रभु राम से मिलना चाहता हूँ। बोले प्रभु राम अभी सो रहे हैं। बोले जिस देश का राजा ऐसे सोते रहता है उसी देश में ही इतनी अनहोनी होती है। बोले अभी अभी मिलना चाहता हूँ। बोले नहीं, प्रभु विश्राम कर रहे हैं। इतने में हय हल्ला सुन करके प्रभु राम निकल करके आए। देखा गुरु जी, अभी गुरु जी को देख करके चरण स्पर्श किया। बोले गुरु जी क्या बात, आप इतना क्रोधित क्यों है? बोले मेरी अपमान नहीं, ये संत परंपरा की अपमान है। ये सुकांत राजा ने भरी सभा में सबको चरण को स्पर्श की, केवल मेरे चरण में सर नहीं नवाया। प्रभु राम ने कहा जिसने मेरे गुरु जी के चरण में सर नहीं झुकाया कल उसका सर ही कलम कर दूंगा। अभी भगवान किसी बात को अगर प्रतिज्ञा करे, भगवान सत्य व्रत है, जिनका व्रत कभी झूठा नहीं होता। अभी ये संवाद धीरे धीरे सुकांत जी का कान में पड़ा। ठाकुर ने ऐसे प्रतिज्ञा की, सुकांत सुनते ही तो रोना शुरू कर दी। बोले देखो ये नारद जी कैसे झगड़ा लगा दी, मेरे को मरवा रहे हैं। अभी नारद जी को ढूंढे लेकिन मिले ही नहीं। बोले जब तक ढूंढ नहीं रहा था तब तक तो मिल गए, जब ढूंढ रहा है तभी मिल नहीं रहा है। इतने में देखा नारद जी बिना बजाते बजाते श्री नारद जी पधारे। बोले क्या बात है? बोले कल भगवान राम ने प्रतिज्ञा की है, सवेरे मेरे सर को काट डालेंगे। बोले अच्छी बात है, भगवान को हाथ में मरोगे तो मुक्ति मिलेगी। बोले मैं मरना नहीं चाहता हूँ। बोले बताओ दुनिया में कोई मरना चाहते हो भैया? कोई दुनिया में मरना चाहते हो? जगत में कोई मरना नहीं चाहते लेकिन ये मरते जगत सबको मरना पड़ेगा। बोले नहीं, मैं तो मरना नहीं चाहता हूँ, मेरे को बचाओ। बोले एक काम करो, जाओ माता अंजना जी की शरण में चली जाओ। अंजना कौन है? बोलो अंजना कौन है? हनुमान जी की माता जी है। अभी माताओं का हृदय बड़े कोमल है, जा करके अंजना जी की चरण में गिर पड़े, रोने लगे। बोले बेटा क्या बात, क्यों रो रहे? बोले माता जी पहले प्रतिज्ञा करो, मेरे प्राण रक्षा करो, फिर तुम्हें बताऊंगा। बोले कोई बात नहीं, मैं तेरे प्राण बचाऊंगा, बताओ क्या बात है। बोले कल सवेरे भगवान राम मेरे को मारना चाहते, श्री विश्वामित्र जी मेरे को मारना चाहते। बोले विश्वामित्र जी, बोले तो संत है, वो क्यों मारेंगे किसको? बोले नहीं, मेरे को मरना चाहते हैं। बोले बेटा कोई बात नहीं, अंदर में बैठ जा। हनुमान जी शाम को प्रभु की चरण की सेवा करते हुए घर में पधारे। देखा माता जी बड़े दुखी होकर के बैठे हुए। बोले मैया, हनुमान जैसे बेटा रहते रहते माता कोई दुखी होते हैं, बताओ क्या बात है, क्यों तुम दुखी हो? बोले बेटा एक शरणागत व्यक्ति को रक्षा करना पड़ेगा। बोले बताओ क्या बात है? बोले सुकांत बाहर निकलो। अभी सुकांत जी आए। बोले बेटा बताओ क्या बात है? बोले कल सवेरे भगवान राम मेरे को मारना चाहते हैं। अंजना बोली तू तो बता रहा था तेरे को विश्वामित्र मारेंगे, तू अभी राम का बात कह रहे हो। बोले विश्वामित्र जी राम को द्वारा मुझे मरवाना चाहते हैं। इतने में अंजना मैया तो हनुमान जी बड़े विपत्त में फंस गए। अगर और कोई व्यक्ति होता तो देख लेते लेकिन ठाकुर जी जहां मारने के लिए जिसको प्रतिज्ञा करते हैं उनको फिर कौन रक्षा कर सकता है? बोले ठीक है बेटा कल मैं देखूंगा। सवेरे सवेरे हनुमान जी पहुंच गए अयोध्या में। देखा प्रभु राम
सत धज करके अपना सन्या सामंत को तैयार कर रहे हैं। बोले प्रभु जी कहाँ सत धज करके जा रहे हो? बोले सुकांत को मारना चाहता हूँ। बोले प्रभु एक जीव को मार कर क्या लाभ, छोड़ दो ना। बोले नहीं, उसने मेरे गुरु जी के चरण में जो सर को नहीं नुमाया उस सर को मैं काट डालूंगा। बोले प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा ली उसको रक्षा करने के लिए। बोले तुमने कैसे प्रतिज्ञा की? बोले मेरे को पता ही नहीं था पहले, मैंने प्रतिज्ञा कर लिया। बोले तू जो कुछ करना कर। राम आए, बोले सुकांत जी चलो मेरे साथ में चलो। अभी सुकांत जी को ले गए और उनको पीछे बैठा दिए। बोले देखो चलो हम ठाकुर जी के नाम जप करते हैं। दोनों बैठे करके बोले रघुपति राघव राम पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजाराम पतित 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 पावन सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। दोनों बैठ करके राम नाम ले रहे थे। सुकांत जी बारंबार पूछ रहा था। बोले हनुमान जी ये केवल दो अक्षर राम है, क्या राम से ये बच्चा पाएगा? बोले बेटा चिंता क्यों करते हो, विश्वास पूर्वक ठाकुर का नाम जप करो। कहते एक तो भय से जप कर रहा था और एक प्रेम से जप कर रहा था। बोले भय से कौन जप कर रहा था? बोले सुकांत। बोले प्रेम से कौन जप कर रहा था? बोले हनुमान जी। इतने में भगवान राम ढूंढते ढूंढते आए। वो गया कहां? वो गया कहां? देखा यहाँ पर दोनों बैठ करके राम का नाम जप कर रहे हैं। हनुमान जी उठाया अपना धनुष, उठा करके उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा करके जो बाण की प्रहार की, लेकिन वो जो ठाकुर का नाम जप कर रहे थे उनको जो नाम रूपी जो चक्र है ना उनको रक्षा कर रहा था। जितने बाण मारे जाता तो है लेकिन लग करके गिर जाता है, लग करके गिर जाती है लेकिन बाण कुछ कर नहीं पा रहा। बोले क्यों? बोले हरि से बड़ा हरि का नाम है। इतने में लक्ष्मण जी ने देखा ये तो प्रभु को बड़ा तंग कर रहा है, प्रभु का बाण अव्यर्थ है। हाँ, जो बाण अव्यर्थ है लेकिन वो अव्यर्थ बाण भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इतने में लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने उठाया धनुष और उन्होंने श्री सीता हनुमान के ऊपर में प्रहार की। बोले क्यों? उसको पीछे सुकांत बैठा हुआ, उन्होंने सीता हनुमान जी को प्रहार किया तो वो बाण तो लगा हनुमान की छाती पर, लगा तो हनुमान की छाती में। इतने में प्रभु राम बेहोश हो गए। बोले राम क्यों बेहोश हो गए? बोले हनुमान के हृदय में कौन बैठे हैं? बताओ कौन बैठे हैं हनुमान के हृदय में? सीताराम। राम बैठे उनका हृदय में। देखो एक समय जब माता सीता को उधार करके लंका से लाए, मैया सीता हनुमान को ऊपर में इतनी खुश हो गए। बोले हनुमान अगर तू नहीं होता ना मेरी उधार होना बड़ा कठिन है। आज मैं सबसे प्रिय चीज तेरे को मैं देना चाहता हूँ। मैया की गला में नवला की हार थी, माता जी ने वो हार उतार कर किसी हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी एक एक मोती को ले लेकर के तांत में काटता था, देखता था, फेंक देता था। मैया सीता को तो बड़ा क्रोध आया। मैया बोले बंदर को आदर का क्या स्वाद बताए, अरे तेरे को मैंने इतनी कीमती चीज नवला हार दी और तू उसको तांत में काट काट कर फेंक क्यों रहे हो? बोले माता जी मैं देख रहा हूँ ये मोती में मेरे प्रभु राम और सीता का कोई छवि है कि नहीं। जिसमें राम सीता का कोई छवि नहीं हनुमान उसको धारण नहीं करता। बोले बड़ी बड़ी बात करता हो,
अगर ऐसे हो तेरे शरीर में क्या राम नाम है? क्या तेरे शरीर में राम और सीता? मेरे शरीर को फेंक दो ना। बोले देखना चाहते हो? बोले क्या दिखाना चाहते हो? बोले देखो, तब हनुमान जी अपना छाती को फाड़ दिए। जब फाड़ दिए, देखा उनके हृदय में सीताराम की विश्राम ने। बोले श्री हनुमान लाल की जय। जयकार नहीं दे रहे? बोले सियावर राम चंद्र की जय। इसलिए हनुमान के हृदय में कौन बैठे हैं? प्रभु राम बैठे हैं। लगा तो हृदय में हनुमान जी की, प्रभु राम बेहोश हो गए। जब राम की होश आया, बोले सुकांत जी ये बताओ, तेरी ये दुर्गति कौन सा असन संग से हुई है, जो कि मेरे गुरु जी की चरण में तुमने प्रणाम नहीं की? बोले ठाकुर जी, असत संग से नहीं, सत्संग से हुई। बोले भैया कौन सा सत्संग? बोले नारद जी के सत्संग से। बोले नारद जी? बोले हाँ। इतने में तेरा नारद जी बिना बजाते आ जाता है। बोले नारद जी, तुमने इनको दुर्बुद्धि क्यों कैसे दिया है? बोले प्रभु, मैं जहां जहां जाता हूँ, सारा दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करता है। बोले क्या करते है? बोले भगवान बड़ा ना, उनका नाम बड़ा। अभी मैं कितने को बताऊं हरि से बड़ा हरी का नाम? मैंने कितने व्यक्ति को बताऊं? इसलिए सोचा ऐसे एक काम करके दुनिया को दिखा दे, दुनिया को ये पता चल जाए। बोले क्या पता चल जाए? बोले हरी से बड़ा हरी का नाम, हरी से बड़ा हरी का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, सागर को लग सके ना, बिना फूल के राम तेरा तेरा देव। सागर को लग सके ना, बिना फूल के राम तेरा तेरा देव। उत गया हनुमान जी को, उत गया हनुमान जी को, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। सारा दुनिया मेरे को यही प्रश्न करते हैं। बोले ऐसे एक काम कर दो, दुनिया को ये पता चल हरि से बड़ा हरि का। इसलिए प्रभु ये काम मैंने किया। भगवान राम ने बताया, हनुमान जी नारद जी ये बताओ, गुरु जी को अभी मैं क्या मुंह दिखा? मैंने गुरु जी के लिए प्रतिज्ञा की, इतना कल सवेरे सुकांत का सर कलम कर दूंगा, अभी गुरु जी को क्या बताएं? इतने में देखते देखते से गुरु जी आ गए, विश्वामित्र जी आए। नारद जी सुकांत जी को बोले, सुकांत जी जाओ जल्दी जल्दी गुरु जी के चरण में गिर पड़ो, गुरु जी के चरण में गिर पड़ो। जब श्री गुरु जी के चरण में गिरे, संत है ना, वो संघार नहीं करते, संत संत सवारते, रक्षा करते हैं, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। जब गुरु जी के चरण में गिरे ना, गुरु जी का हृदय तो पानी पानी हो गया। इतने में विश्वामित्र जी बोले, राम तू मेरे लिए प्रतिज्ञा की थी ना सुकांत को मारने के लिए? बोले हाँ। बोले मैंने इसको माफ कर दिया है, तुम भी इसको माफ कर दो। बोले ठीक है प्रभु, शांत हो गया। इसलिए इस चीज को समझो, भगवान के नाम में कितने शक्ति है। अगर ठाकुर का अगर कोई नाम जप करता है, ठाकुर स्वयं भी उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बोले राम ना सकई राम गुण गाई, नाम की इतने महिमा भगवान भी
अपना नाम की पार स्वयं नहीं पाते हैं, ठाकुर जी का नाम में इतने शक्ति है। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, जोर से जयकार। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। जय जय श्री राधे। बोले वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्व जज ज्ञानांग मद्वयम् ब्रह्मति परमात्मति भगवान इति शब्दते। बोले भगवान वो एक ही भगवान है, लेकिन एक ही भगवान का तीन रूप है और उनका तीन तरह का भक्त है। कहते जो ज्ञानी है वही भगवान को एक ब्रह्म रूप में निराकार रूप में दर्शन करता है। बोले वही एक योगी उनको अंगुष्ट परिमाण पुरुष रूप में अपना हृदय में उनको ध्यान करता है, लेकिन एक ही भगवान को भक्त लोग किस रूप में दर्शन करते हैं। बोले श्री भगवान कृष्ण रूप में, भगवान राम का रूप में, श्री नारायण रूप में ठाकुर जी को दर्शन करते हैं, लेकिन ये भगवान एक ही है। हाँ देखो, ध्यान देकर सुनो। कभी कभी हम लोग, विशेष करके हमारे हिंदू लोग ना, कभी कभी बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्या कन्फ्यूज हो जाते हैं? बोले भगवान क्या निराकार है ना, वो परमात्मा को ध्यान करे ना भगवान कृष्ण को भक्ति करे, ये बड़े कन्फ्यूज में ये लोग पड़ जाते हैं। कोई कहता है निराकार है, कोई कहते नहीं वो तो आकारवान, कोई बात नहीं वो तो परमात्मा को ध्यान करो। कभी कभी हम बड़े कन्फ्यूज में हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत बहुत अच्छी बात को समझाई। ध्यान देकर सुनो, ऐसे नहीं जो कोई बोले उसको पीछे पीछे भागने लग गए, अच्छे तरह से दिमाग में बैठा, सुन रहे कि नहीं सबके साथ ध्यान से। देखो एक उदाहरण देकर समझाया, जैसे आम काशी जी ने बड़े सुंदर दशहरी चौसा आम आया मार्केट में, एक राजा ने एक सेवक को बोला भैया हमने सुना है बड़े सुंदर आम सा, देख कर क्या होता। वो सेवक गया, देखा सचमुच से दुकान में एकदम पीले पीले रंग के बड़े सुंदर आम दिख रहा है। वो दूर से देखा और वापस आ गया, बोले महाराज सचमुच से बड़े सुंदर आम है। उन्होंने और एक सेवक को भेजा, भैया तू देख रहे क्या। उसने कहा देखा और हाथ लगाया, देखा मुलायम सूंघा बड़ा खुशबू, वापस आ गया। बोले आम कैसे हैं? बोले महाराज मैंने देख करके आया, पका हुआ आम बड़ी खुशबू, बड़ा मीठा आम है। राजा ने तीसरे सेवक को भेजा, बोले भैया तू जा तू देख करके आ आम कैसे हैं। उन्होंने सचमुच से देखा दुकान में पीले पीले रंग का आम है, स्पर्श किया पका हुआ सूंघा खुशबू। बोले 5 किलो आम दो। आम लाए, पानी में भिगवाया और उसमें अमनिया करके ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से भोग लगाया और उसको जब खाया ना देखा बड़ा मीठा है। राजा ने पूछा भैया आम कैसे? बोले महाराज बड़े मीठो आम है, बड़ा सुंदर स्वाद आम है। हाँ देखो ध्यान देकर सुना, तीनों को आम मिला है, तीनों को आम मिला, लेकिन ये मिलने पर भी सबको बराबर नहीं मिला। ये चीज को दिमाग में बैठा। जो व्यक्ति भगवान को निराकार कहते हैं, भगवान का तो रूप नहीं, वो तो निराकार है, कहते वो कौन है? बोले वो ज्ञानी है। जैसे सूरज है, सूरज को देखो तो क्या लगता है, एक अग्नि पिंडला दिखता है और कुछ नहीं दिखती, लेकिन क्या वही सब कुछ? बोले नहीं, आप देखो जो सूरज का मूर्ति देखा जी, उनका घोड़े है, उनकी घोड़े है, उनकी रथ है, उनकी परिवार है, लेकिन वो दूर से क्या दिखता है? केवल एक सूरज एक अग्नि पिंडला जैसे दिखती है, इसलिए वो पूर्ण दर्शन उसको नहीं कहते हैं। उसी तरह जो ब्रह्मा वो है कौन, इसलिए उपनिषद कहता है ब्रह्म कौन है? बोले जस्य प्रभा प्रभवतो जद अद्वैत ब्रह्म उपनिषदि तत्पश्य तनुभा। भगवान कृष्ण इतने प्रकाश है, करोड़ सूर्य जैसे भगवान की प्रकाश है, वाक्य बिहारी जी की, उनका जो प्रकाश को ही ज्ञानी लोग कहते हैं ये निराकार निर्विशेष है, केवल उनका वहीं तक पहुंचे। जैसे पहला सेवक को तो भेजा, लेकिन उसने देखा क्या आम बड़े सुंदर पीले पीले आम दिख रहे हैं, केवल उतना देख करके आ गया। लेकिन दूसरे व्यक्ति को भेजा जिसने देखा भी सूंघा भी स्पर्श भी किया, बोले ये कौन है? बोले ये योगी है।
ये योगी है, ये योगी लोग क्या करते हैं, बोले अष्टांग योग करते हैं। अपना हृदय में वो परमात्मा अंगुष्ट परिवार जो परमात्मा है, वो परमात्मा जो चतुर्भुजधारी, उनको अपना हृदय में केवल ध्यान करते हैं अष्टांग योग। कहते ये ज्ञानी से भी ये श्रेष्ठ है, क्यों, ये थोड़ा नजदीक गया और भगवान को थोड़ा हृदय में ध्यान दिया, और वो जो परमात्मा भगवान के अंश है। लेकिन जो लास्ट में गया, आम देखा भी, लाया भी, अमोनिया करके ठाकुर को भोग भी लगाया और खाया तो बड़ा मीठा। कहते ये कौन है, ये भक्त है, जो कि जैसे हनुमत लाल जी राम को क्या करते हैं, जब भगवान राम विश्राम करते हैं उनके चरण पलटते हैं हनुमान। अगर प्रभु राम कहीं बैठे हुए अपना पूछ से प्रभु के लिए बड़े सुंदर छतरी बना देते हैं, अगर राम को कहीं जाना है हनुमान जी क्या करते हैं, प्रभु राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठा कर ले जाते हैं कंधे पर। अगर किसी काम के लिए भेजना, हनुमान जी जाकर के संभाल देते हैं, है? संभाल देते हैं। जैसे गोपियों ने कृष्ण को सेवा करते हैं, पूजा करती है, उनको नाम लेती है, उनको खिलाती है, जैसे मैया यशोदा कन्या को लाड़ लड़ाती है, गोद में दूध पिलाती है, हैं? इसलिए कहते यद्यपि ये तीनों को भगवान तो मिलते हैं, लेकिन ये मिलने पर भक्तों को जैसे भगवान मिलते हैं ऐसे और किसी को नहीं मिलते हैं। इसलिए आप लोग कभी नहीं सुने होंगे कोई क्या कहता है ज्ञानी का भगवान कोई कहता है, कोई क्या कहता है योगी का भगवान, किसके भगवान है, किसके भगवान है, भक्त के भगवान, भक्त के भगवान है। इसलिए भगवान का एक नाम श्री भक्त वत्सल है, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। इसलिए श्री सूरदास जी एक बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। अब भजन का दो पद आप लोग सुन लीजिए, श्री सूरदास जी क्या भजन गाते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो सबसे ऊंची Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Tu sabse unchi prem sab, sabse unchi सबसे ऊंची प्रेम सागर, सबसे ऊंची प्रेम सागर। ओ दुनिया धरती की मैं बात त्यागी, ओ दुनिया धरती की I'm
मन सबरी के संतों के लिए बड़ी सुंदर
खाना बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए और संतों को उन्होंने खिलाए। अभी ठाकुर जी तो बड़ी चिंता में पड़े गए, बोले क्यों? बोले दुर्योधन बड़ा दुष्ट, अगर ये टाइम में नहीं गया हो सकता है सजा दे सकता है, नहीं तो नौकर से निकाल सकता है। इतने में कृष्ण स्वयं हरनायिका रूप धारण कर लिए और पहुंच गए दुर्योधन के घर में और उसको शरीर में तेल लगाना शुरू कर दिया। कौन तेल लगा रहे थे? ठाकुर जी मालिश कर रहे थे। भगवान कौन है? आनंद। अरे बोल, भगवान कौन है? रस स्वरूप, आनंद स्वरूप, भगवान आनंदमय ब्रह्म है। भगवान की हाथ का स्पर्श से उसको तो रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहना शुरू हो गई, हृदय गदगद हो गया। बोले क्या तेरे हाथ में कोई जादू है ना क्या? तू शरीर पर हाथ लगाते ही हमारी इतने आनंद क्यों हो रहा है? दुर्योधन इतने प्रसन्न, इतने खुश हो गया, बोले जिंदगी में कभी मुझे इतना आनंद ही नहीं आया। दुर्योधन प्रसन्न होकर के उसकी गले में एक बड़ी कीमती हार था, उन्होंने वो हार को उसने पहना दिया हरनाई की गले में। वो हरनाई था वो कृष्ण, लेकिन पहनाया तो कृष्ण को गला में, लेकिन वो हार अपने आप आ गया हरनाई की गले में। हरनाई संतों की सेवा करते हुए देर में पहुंचा, सोचा पता नहीं दुष्ट क्या करेगा, लेकिन जब वहां पर पहुंचा बोले देखो दुर्योधन जी, आज घर में कुछ संतों लोग आ गए थे, उनकी सेवा करते करते मेरे को देर हो गई, अपराध माफ कर दो। बोले क्यों? आज तो तुमने इतने सेवा की तभी तो प्रसन्न होकर के मैंने हार दिया है। बोले नहीं, मैं टाइम से नहीं आ पाया, मेरे अपराध को माफ कर दो। बोले ओ, तेरे को मैंने इतना आज कीमती हार दे दिया ना, इसलिए तू ऐंठ रहे हो। लेकिन उसको पता नहीं गले में हार पड़ा हुआ। दुर्योधन ने वो हार को पकड़ा और छीन लिया तो उसने देखा भैया मेरे गले में तो कोई हार भार थी नहीं, वो हार कहां से आ गया? लेकिन वो भी संत था, संत से भी बोले ओ, आज मैंने संतों की सेवा की ना, इसलिए स्वयं बांके बिहारी मेरे रूप धारण करते हुए आए और दुष्टों की सेवा की। इसलिए कह रहा है आज जितने आनंद मिला जीवन में, इतने आनंद कभी मुझे मिले नहीं। उसने कहा मेरे वजह से आज मेरे ठाकुर जी को ये दुष्ट की सेवा करना पड़ा, आज से इसकी सेवा ही हम नहीं करेंगे। उसने उनकी सेवा को त्याग दे दिया। इसलिए भगवान किसमें वशीभूत होकर के हरनाई रूप धारण किया? भक्ति में, भक्ति में केवल। इसलिए यहां शिक्षा देते भैया, हमें ज्ञान की तरफ नहीं जानी चाहिए, हम योग की तरफ नहीं जानी चाहिए, हम किसी कर्म के तरफ में नहीं जानी चाहिए, किसकी तरफ में जानी चाहिए? भक्ति। भगवान केवल भक्तों का ही बस होते हैं, इसलिए ठाकुर जी का नाम श्री भक्त वत्सल भगवान। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। ऐसे जो भगवान है बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यम्। ऐसे जो भगवान युग युग में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करते ही दुष्टों को संहार करते हैं। भागवत में भगवान की 24 अवतारित कथा है। भगवान का जो सर्वप्रथम अवतार, भगवान चतुसन रूप में ब्रह्मा की मानस पुत्र रूप में जन्म हुए, सनक सनदन सनातन और सनत कुमार रूप में। इनका काम क्या है? बोले कृष्ण कथा मात्र के जीवन, इनका जीवन केवल कृष्ण कथा। अगर किसको कथा सुनाना हो सुना देंगे, अगर कोई नहीं मिले ना एक भाई तो व्यास गति पर बैठ जाएगा और तीनों भाई बैठ जाएंगे, बस कथा सुनाते रहेंगे। कहते इनका उम्र कितना? बोले 5 साल की, इससे ज्यादा कोई उम्र होती नहीं। इसलिए भागवत ने बताया बोले आयुर हरति वही पुंसा उद्यान अस्तंज जन असो श्लोकवार्तया। बोले ये सूरज है, ये सूरज नहीं, ये संख्यात काल है। हम कहते हैं ना भैया हमारा लाला 10 साल का हो गया,
नहीं तब 15 साल का हो गया। बोले आपका उम्र कितना? बोले हम 50 साल के हो गए। छाती पर हाथ ठोक कर गए तो बोले 50 साल के नहीं हो गए, 50 साल तुम्हारी चला गया है। हम कोई बड़े नहीं हो रहे, हम छोटे होते जा रहे हैं। हम बड़े नहीं हो रहे, कोई छोटे होते जा रहे हैं। इसलिए कहते भैया ये काल का काल में तो सबके सब जा रहे हैं, ये सूरज नहीं ये काल सभी का समय को नष्ट करता है। कहते एक व्यक्ति की समय को ये काल का प्रभाव नहीं पड़ता। बोले किसकी? बोले तस्सरिते जम क्षणम नीत। जितने समय हम प्रभु की कथा में, उनकी भजन में, उनकी नाम में, उनकी भक्ति में जितने समय लगाते हैं ना, इसको ऊपर में काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं ना, आप लोग कथा सुन रहे हो, जब तक कथा सुनोगे ना ये काल वहीं के वहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि आपका परमात्मा के ऊपर में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोले क्यों? बोले जो काल का जो काल है वो ठाकुर जी है। सबका काल सबका समय को नष्ट करता, लेकिन भक्ति करने वालों का जीवन ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ती। इसलिए ये चतुसन हर समय केवल 5 साल उम्र में रहते हैं, इससे कभी छोटे नहीं होते, इससे कभी बड़े नहीं होते। इसलिए हर समय प्रभु का भक्ति में मस्त है। अभी भगवान की जो दूसरा अवतार भगवान बराह रूप में आए। बोले कब बराह रूप में आए? देखो बोले शाम का समय में ना 4 काम नहीं करने चाहिए। कितना काम नहीं करने चाहिए बोलो? 4 काम नहीं करने चाहिए। बोले क्या क्या है? बोले शाम का समय में सोनी नहीं चाहिए। जो शाम का समय में सोएगा ना उसको घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी, लक्ष्मी घर से चली जाएगी। शाम का समय में भोजन नहीं करनी चाहिए। जो भोजन करेगा शाम को उसका पेट का रोग रहेगा, उदर का रोग रहेगा। तीसरा काम पढ़नी नहीं चाहिए। हम कहते हैं ना भैया बच्चा घर में तो खूब पढ़ता है, लेकिन पता नहीं जब पेपर देने के लिए जाता भूल जाता है। सर तो भैया पढ़ने का समय कुछ गड़बड़ी है। इसलिए शाम का समय पर शंकर जी अपना भूत पिशाच के साथ में घूमते रहते हैं। इसलिए शाम का समय में पढ़नी नहीं चाहिए। और चौथा काम बोले पति पत्नी मिलनी नहीं चाहिए। कभी हिरणा क्यों हिरणा कश्यप का इसी जन्म हुई। कभी श्री दीप्ति एक समय बड़ी सुंदर श्रृंगार उसने की और शीशा के सामने खड़ी होकर के अपना राजकुमारी अपना रूप को देखी ना, एकदम काम में आतुर हो गई। उसने कश्यप ऋषि से मिलने के लिए चाहा। कश्यप ऋषि बोले देखो अदिति समय अच्छी नहीं, अभी मत मिला करो, ये समय बारवेला शाम का समय, शंकर जी भूत पिशाचों को लेकर घूम रहे इस समय, नहीं मिलो। लेकिन वो इतने काम में आतुर हो गई थी, उसने पति को साथ में जोर जबरदस्त मिली। कश्यप ऋषि ने कहा तुमने अच्छी काम किया, तेरे पेट में राक्षस जन्म होने वाले हैं, हिरणाक और हिरण्यकश्यप जन्म होगी, सचमुच से ऐसे राक्षस जन्म हुए। उसने तो पृथ्वी को रसातल में ले गया, उसने रसातल को उसने ले गया, इतने भयंकर दैत्य राक्षस बने। अभी दीप्ति को बाद में बड़े अफसोस हुई, फिर पति को चरण में गिर गई, मेरे अपराध को माफ कर दो, माफी मांगे। इसलिए बोले ठीक है तुमने तो पूरी कर्म की, लेकिन माफी मांगा, तेरे को मैं आशीर्वाद देता हूँ, बेटा तो होगा राक्षस, लेकिन बेटा का जो बेटा होगा ना वो परम भक्त श्री प्रह्लाद रूप में आएगा, जिसके लिए ठाकुर जी स्वयं जब हिरण्यकश्यप प्रह्लाद को पूछा बताओ तेरे हरि कहाँ है, बोले बताओ मेरे हरि नहीं कहा तो बताओ, मैं तो कणकण में प्रभु का दर्शन कर रहा हूँ। बोले ये खंभे में क्या है? बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर जी, सचमुच से भगवान प्रकट हो गए। बोले तेरे प्रभु को पहले दिखाऊंगा बाद में तेरे को दिखाऊंगा। उन्होंने मुष्टि का घात मारे तो खंभा फट गया और साक्षात भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। इसलिए यदि हिरणाक और हिरण्यकश्यप जन्म हुई पृथ्वी रसातल में ले गए थे, अरे भगवान ने बराह अवतार लेकर के उन्होंने ये पृथ्वी को उन्होंने उद्धार किया है। कदी भगवान की तीसरा अवतार है। भगवान की जो चौथा अवतार है ठाकुर जी श्री नारद रूप में अवतीर्ण हुए। ये जो नारद है कहते भगवान की ये भक्तावतार है, हैं? इनकी कृपा के बगैर ना अभी तक इसको भक्ति नहीं मिली। इसलिए विशेष करके इनकी 4 चेले हुए। कहते दो बालक और दो वृद्ध। बोले दो बालक कौन हुए? एक प्रह्लाद और एक ध्रुव।
एक प्रहलाद एक ध्रुव है, कहते हैं ना बोले जनामा जनामा मोनी जाता ना कराई, जनामा जनामा मोनी जाता ना कराई, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय, 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे गोविंद जय जय, हरे राम हरे राम Hare 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 Hare
बालक शिष्य हुए एक ध्रुव और एक प्रहलाद। इन्होंने 5 साल उम्र में ही भगवत प्राप्ति कर लिया, ऐसे श्री नारद जी के आशीर्वाद। और दो इनकी वृद्ध हुए, एक वाल्मीकि और एक व्यास। वाल्मीकि ने श्री रामायण लिखे और व्यास देव श्री भागवत ग्रंथ लिखे। हमारी सनातन धर्म के लिए ये जो दो ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ श्री रामायण और श्री मद्भागवत ग्रंथ है, ऐसे श्री नारद जी। अगर नारद जी किसी की संग हो गया ना, बस उसको उद्धार हो गया। इसलिए श्री दक्ष प्रजापति ने जब उन्होंने 10,000 संतान को सृष्टि की, पहले नियम होता था 25 साल के लिए सब गुरुकुल में जाते थे, अभी उनको गुरुकुल में भेज दिया। बोले गुरु जी कौन? बोले नारद। बोले इनका नाम नारद क्यों है? बोले नर मतलब होता है रस और द मतलब सबको जो रस है, नर मतलब होता है ज्ञान और द मतलब सबको जो ज्ञान दे, नर मतलब होता है आसक्ति, द मतलब सारे आसक्ति के जो काट दे, नर मतलब होता है भक्ति, द मतलब जो सबको जो भक्ति देते हैं। इनकी बगैर प्रभु का कोई लीला नहीं है। राम लीला तो इनकी वजह से, कृष्ण लीला तो इनकी वजह से, सब में नारद है, इनकी बगैर कुछ नहीं है। अभी इनको पास में भेज दिए दक्ष प्रजापति 10,000 बच्चों को, जाओ गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई लिखाई करके आओ। अभी पढ़ाई लिखाई समाप्त तो हो गई, अभी घर में जाएंगे। नारद जी ने कहा देखो बच्चों, घर में जा रहे हो ना, देखो समझ बूझ करके जाओ, अगर एक बार फंस गए ना फिर निकलना बड़ा कठिन है। तब नारद जी कुछ कुट प्रश्न किया, देखो उन्होंने प्रश्न क्या किया। इनका पहला प्रश्न था ये बताओ, ऐसे कौन सा चक्र है जो चक्र को कोई नहीं घुमाते, चक्र अपने आप घूम रहे, आप लोग बता सकते हो कौन सा चक्र को कोई नहीं घुमा रहे हैं लेकिन वो चक्र अपने आप घूमते जा रहे? बोलो तो कौन सा चक्र है? हाँ, ये काल चक्र है, इसको कोई नहीं घुमा रहे। बच्चे हुए, बड़े हुए, लिखाई पढ़ाई किया, शादी शुदा किया, बच्चे हुए, बूढ़े हुए, राम नाम सकते हैं, ये चक्र को कोई घुमा रहा है? कोई नहीं घुमा रहा है, ये चक्र अपने आप घूमते जा रहे हैं। बोले भैया सभी का चक्र तो घूम रहा है लेकिन एक व्यक्ति का जीवन का चक्र घूम ही नहीं रहा, एक जगह पर खड़ा हुआ है। बोले किसकी है? बोले जो व्यक्ति भगवान की भक्ति और भजन करते हैं इनका परमाल केवल नष्ट नहीं होता है, नहीं तो सबका परमाल नष्ट हो रहे। इनकी दूसरी प्रश्न है, बताओ तो कौन सा नदी है जो नदी एक साथ में दो तरफ में बह रही है? बता सकते हो? कौन बताएगा हाथ में? कौन सा ऐसे नदी है? हम लोग नदी देखे कि नहीं? नदी एक तरफ में बहती ना दो तरफ में, बताओ एक तरफ में। लेकिन इनकी प्रश्न है ऐसे कौन सा नदी है जो एक साथ में दोनों तरफ में बह रही है? बोले ये जन्म और ये मृत्यु। जब हम जन्म हुए एक साल हुए लेकिन इधर से एक साल कम हो गया, 2 साल हुए इधर से 2 साल कम हो गई, 3 साल हुए इधर 3 साल कम हो गया, जितना इधर बढ़ते हुए जा रहे ना दूसरे तरफ में उतना घटते हुए जा रहे। ये जन्म और मृत्यु एक साथ में क्यों दो नदी दोनों तरफ में बह रही? बोले बताओ तो ऐसे कौन सा बीन है जो बीन में एक बार घुस जाओ ना जिसमें निकलने का रास्ता नहीं मिलती, कभी वो बीन से निकल नहीं पाओ? बता सकते हो ऐसे कौन सा बीन है? बोले ये गृहस्थ है। एक बार अगर फंसे, हम सोचते हैं भैया एक समस्या अगर किसी तरह से एक समस्या हल हो जाए ना भैया चैन मिलेगा, देखना एक समस्या तो खत्म नहीं हुई, 2 समस्या आ जाती। दोस्त ने भैया 2 समस्या किस तरह से हल हो जाए शांति मिलेगी, 3 समस्या देखना, दल दल में जैसे मकोड़े होते हैं ना वो चाल बनाते बनाते ऐसे बुरी तरह से फंस जाते हैं, उसी में ही प्राण खत्म। इसलिए कहती जो गृहस्थ है सोचते हैं भैया अभी लिखाई पढ़ाई सीख ले चैन मिलेगा, लिखाई पढ़ाई होगी। बोले नहीं नौकरी चाकरी कर लो चैन मिलेगा, बोले नौकरी चाकरी हो गई। बोले मैंने शादी करने से चैन मिलेगी, शादी हो गई। बोले बच्चे नहीं हो रहे, बोले बच्चे होने पर चैन मिलेगा, बच्चे हो गए। सोचते हैं बच्चों को लिखाई पढ़ाई कर दो चैन मिलेगा, लिखाई पढ़ाई कर दिया। बोले बच्चों को शादी करा दो चैन मिलेगा, शादी करा दिया, लेकिन बच्चे का बच्चा नहीं हो रहे। फिर सोचते ही जब बच्चे को शादी शुदा कर देंगे ना
फिर तो रोज सत्संग में जाएंगे, थोड़ी सी भजन करेंगे। अभी बच्चे का जब शादी शुदा हो गया, फिर नाती पोती हो गए, भले ही उसको पहले थोड़ी सत्संग में कहीं बाहर निकल जाते थे, लेकिन जब बहू की बच्चा हो गया ना, अगर सांस कहीं जाए, बोले डोकरी का कोई काम धंधा नहीं, इधर उधर घूमती रहती, बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चे को नहीं देखती। आप देखना, जितने निकलने के लिए कोशिश करो, उतना ही उसमें हम दल दल में हम उसमें फंसते जाते हैं। इसलिए ये गृहस्थ ऐसे एक बील है, जिस बील में एक बार फंस जाओ ना, निकलना बड़ा कठिन है। बोले बताओ तो ऐसे कौन सा स्त्री है, ऐसे कौन सा स्त्री जिसको कोई भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो जोर जबरदस्ती सबको शादी करने की, उसको कोई नहीं चाहती है, लेकिन वो सबको पकड़ पकड़ कर शादी कर लेती है, ऐसे कौन सा बताओ स्त्री। बोले ये मृत्यु। बताओ कोई मरना चाहते हो, कौन मरना चाहते हैं? मरने का नाम सुनते ही हम घबरा उठते हैं, लेकिन वो ऐसे स्त्री जो जबरदस्ती मरना नहीं चाहते, लेकिन सबको मरना पड़ेगा, ये जोर जबरदस्ती सबको शादी कर लेती है। बोले बताओ तो पिताजी का क्या आदेश है, पिताजी ने क्या आदेश दिया है? बोले पिताजी ने तो हमें भेजा, जाओ गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई कर गया। बोला अरे ये पिता नहीं, परम पिता ने क्या आदेश दिया है? देखो भगवान की एक आदेश है, स्मर्तत सततम विष्णु विस्मरत न जातु चिता। उनको एक ही आदेश है, हर समय उसको स्मरण करते रहो, हर समय उसको चिंतन करते रहो। आदेश क्या नहीं, कभी उसको भूल मत। आदेश है उसका, हर समय याद करो, हर काम में वो याद आए। एक ही आदेश नहीं, उनको कभी भूलना नहीं, हर समय उनको याद करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके सबके सब बोलो, बोला हरे कृष्ण कोई बोल नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इस बार आप बोलो मैं सुनूंगा, जोर से बोलो हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भगवान की जो चौथा अवतार है ठाकुर जी श्री नर नारायण रूप में बद्री का आश्रम में ठाकुर जी भजन करते हैं। बोले भैया भजन तो जीव करता है, पर ठाकुर को भजन क्यों करना पड़ रहा है? ठाकुर जी को पता है कलयुग का जो जीव है ना, इतने भजन नहीं कर सकता, तपस्या कर ही नहीं सकता है। इसलिए ठाकुर जी ने कहा भैया कलयुग का जीव के लिए मैं स्वयं तपस्या करता हूँ, अगर कोई कष्ट करके एक बार बद्रीनाथ आए, मुझे दर्शन कर ले, दर्शन मात्र से ही मैं जो भजन करता हूँ, भजन का जो छठवां भाग का फल उसको अपने आप मिल जाएगी, भगवान का आशीर्वाद है। बद्रीनाथ कौन कौन गए हो बद्रीनाथ? हाथ उठाओ तो बद्रीनाथ कौन कौन गए? हाँ बताओ कौन कौन जाना चाहते हो, बताओ कौन कौन। तेरे जाना भी कोई नहीं चाहिए, गए भी नहीं, जाना भी नहीं था। दोनों हाथ उठा लो। हाँ देखो भक्ति में, देखो भक्ति में एक विशेष गुण जानते हो, भक्ति में क्या विशेष गुण है? अगर मन मन में अगर तुम्हारी इच्छा हो गई मैं ठाकुर जी को दर्शन करने जाऊंगा, जैसे भागवत का भी ये महिमा है, हैं? जैसे घर में बैठे हो भागवत कथा हो रही है, अगर इतने मात्र इच्छा हो जाए भैया मैं भागवत में जाऊंगा नहीं तो जाऊंगी, इतना इच्छा मात्र से ही भगवान उसको हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, ठाकुर जी उसके हृदय में वशीभूत हो जाते हैं, इतना मात्र इच्छा होते ही। भक्ति में ये एक विशेष गुण है। अगर आपकी इच्छा हो गई ना, हम बद्रीनाथ जाएंगे केदारनाथ जाएंगे, समझो आपका करके फल मिल गया। हाँ देखो अगर बद्रीनाथ केदारनाथ जाना चाहते हो, अगर आप जाओगे गाड़ी लेकर के कम से कम 10 दिन लगेगा, अगर कंटिन्यू अगर आप जाओगे 10 दिन में घूम करके आओगे। लेकिन और एक उपाय है, जो आप एक दिन में जा करके एक दिन में वापस आ जाओगे, जानते हो कहाँ पर है? देखो ये ब्रज में, जब कृष्ण जन्म होने से पहले श्री नंद बाबा ने मनोति रखा था, हे बद्रीनाथ हे केदारनाथ हे गंगोत्री हे यमुनोत्री, मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाए,
मैं ये चारिधाम करने जाऊंगा। अभी घर में कृष्णा हो गए, अभी नंद बाबा को मनोज रक्षा करनी चाहिए। एक दिन सारे ब्रजवासी तैयारी हुए चारिधाम जाने के लिए। कृष्णा ने देखा, भैया ये ब्रजवासी देखो कितने भोले वाले, कभी ये चारिधाम करने जाएंगे। बोले भैया चारिधाम तो सब ब्रज नहीं है, क्योंकि ये गंगा कौन है? बोले मेरी चरणामृत है। बोले ये यमुना कौन? बोले ये मेरी पत्नी है, मेरी पटवारी। बोले ये शंकर जी कौन? बोले ये मेरे सेवक है। बोले श्री बद्रीनाथ कौन है? बोले मेरे अंश की अंश की अंश है, इसलिए श्री रसखान कहते हैं। किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां, के सब के चली गुंज कोटी कोटी काशी है। गोपिनी की द्वार पे बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे किया, जानते नहीं ये किया श्री हम श्री वृंदावन वासी है। कहते अगर कोई वृंदावन दर्शन कर लेना उसको सारे धाम दर्शन हो जाता है। कृष्ण ने कहा पिताजी आओ मेरे साथ में, आपको मैं चार धाम कराऊंगा। तब कृष्ण पूरा नंद यशोदा पूरा परिवार को लेकर गए। बोले कहाँ पर? बोले ब्रज में एक स्थान काम्य वन में। काम्य वन में लेकर गए और सबको बोले हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ। सबके सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। इतने में कृष्णा ने सारे तीर्थ उन्होंने स्मरण किया। पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है सबके सब काम्य वन में उपस्थित हुए और सबके सब सारे धाम को दर्शन कर लिया। इसलिए ब्रज में एक स्थान काम्य वन है, अगर वहां पर जाओ सारे चार धाम वहीं पर है। अगर यहाँ से सवेरे निकलोगे ना शाम को घूम फिर करके फिर यहाँ पर आप आ जाओ, एक दिन में चार धाम करके आ जाओगे। अब बताओ कौन जाना चाहता है? अब तो हम सब ले जाएं। एक दिन में सवेरे निकलो और शाम को केवल चार धाम नहीं, वहाँ मानस सरोवर है, वहां पर लक्ष्मण झूला है, वहां पर त्रिवेणी है, गंगोत्री जमुनोत्री और वहां पर सरस्वती वहां पर है, एकदम स्पष्ट रूप में दिखेगा सारे धाम वहीं पर ब्रजमंडल में। एक बार यहाँ प्रोग्राम करके आप सबसे एक बार हम ले जाएंगे, एक दिन में सारे धाम को करा के आपको फिर एटा में आपको छोड़ देंगे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। इन्होंने ऐसे ही सारे अवतारों का नाम सुनाते सुनाते उन्होंने बोल दिया जो कृष्ण भी ये एक अवतार है। लेकिन शुद्ध गोस्वामी डर गए, बोले क्यों? बोले कृष्ण अवतार नहीं है। बोले कृष्ण कौन? बोले अवतार। बोले अवतार का मतलब क्या है? बोले जिनसे सारे अवतार प्रकट हुए, कृष्ण मूल है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि निरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ये कृष्ण कौन है? अनादि के आदि के जो आदि ये कृष्ण है। ये कृष्ण से इतने सारे अवतार ये भगवान कृष्ण से प्रकट हुए। जो 33 करोड़ देवता सब भगवान कृष्ण से, और राधा रानी से जितने शक्ति है उमा रमा सत्या सची जितने सारे शक्ति श्री राधा रानी से प्रकट होते हैं। जब हम श्री राधा कृष्ण को पूजा कर लेते भक्ति ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के जितने सारे देवा देवी की अपने आप भक्ति हो जाती है। नहीं तो 33 करोड़ देवता है, कितना देवता? 33 करोड़। अगर आज एक को मनाओ ना दूसरे मुंह बुला कर बैठ जाएगा, तीसरे को मनाओ तो चौथा मुंह बुला कर बैठ जाएगा, चौथा को मनाओ तो पंचमा मुंह बुला कर बैठ जाएगा। बताओ किसको कितने को मनाओगे? आज इसी ग्रह को पूजा कर तो दूसरे ग्रह घर पीछे लग गए, तीसरे ग्रह को खुशी करो तो चौथे ग्रह लग गए। बताओ कितने ग्रह को खुश करोगे? लेकिन कृष्ण ऐसे कैसे बताए? आप लोगों ने महाभारत देखे होंगे, देखे हो महाभारत? जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था, देखो ये चीज को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा, बहुत अच्छी चीज है। जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था इतने में कृष्ण विराट रूप दिखाया, बोला अर्जुन देख मैं कौन हूँ? जिसको तू तो शंकर कह रहे हो देखो शंकर मेरे में, जिसको माँ देवी कह दो देखो देवी मेरे में, जिसको तुम हनुमान कह दो देखो हनुमान मेरे में ही हनुमान है।
जिसको तुम गणेश कहते देखो गणेश मेरे हैं, जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण कहते हो देखो ये सब के सब मेरे अंदर भी, ये सारे अनंत कुल ब्रह्मांड मेरे अंदर में। हे अर्जुन मत पर तरम नाचिस्त अस्त धनंजय, अर्जुन मेरे को छोड़ करके दुनिया में कुछ भी नहीं, सारा दुनिया मेरे अंदर में। तब भगवान दो उदाहरण देकर समझाए, जैसे एक वृक्ष है, अगर वृक्ष का जड़ में पानी दो ना देखना पूरा पेड़ हरा भर रहेगा, अगर कोई जड़ में पानी नहीं दे तीन बार उसको पत्ते में उसके फल में उसके फूल में पानी दे बताओ पेड़ जिंदा रहेगा, पेड़ जिंदा नहीं रह सकती है। जैसे आहार अगर हम मुंह में देते हैं सारी इंद्रियां काम करेगी, अगर कोई मुंह में आहार नहीं दे करके बोले क्यों कान में जो सुनते हैं थोड़ा डाल डालो, बोले आंखों में देखते हैं थोड़ा रोटी दे दो, कैसे कोई करते हो आहार कहाँ देते हो मुंह में, मुंह में आहार दे दो पूरा इंद्रिया सारी इंद्रिया काम करेगी। कहते उसी तरह जब हम भगवान कृष्ण को भक्ति कर लेते हैं, कृष्ण भक्ति कर देते हैं ये अनंत करोड़ों विश्व ब्रह्मांड अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर भारत का मोदी है, मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर है, उसने किसको वित्त मंत्री बना दिया, किसको रेल मंत्री बना दिया, किसकी बिजली मंत्री बना दिया, किसको उन्होंने अर्थ मंत्री बना दिया, सबको एक एक पोस्ट दे दिया, लेकिन बनाया किसने, मोदी ने बनाया। अगर मोदी को सर्वे में कोई चले जाए ना ये सब के सब खुश हो जाएंगे, पर उसको पीछे कोई नहीं पड़ेगा, नहीं तो सब पीछे पड़ जाएंगे। उसी तरह जो कृष्ण है किसको बना दिया वित्त मंत्री, बोले किसको लक्ष्मी को, सरस्वती को उन्होंने विद्या मंत्री बना दिया, बोले पानी की मंत्री इंद्र को बना दिया, वायु मंत्री उन्होंने वायु देवता को बना दिया, अलग अलग देवता को उन्होंने तो पोस्ट दे दिया। इसलिए जब कृष्ण की शरण में कोई चले जाए कहते ना जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब, जब हरि की कृपा हो जाती है उसको ऊपर में सबका अपने आप सबकी कृपा हो जाती है। इसलिए हमें एकनिष्ठ होकर के भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए, सबका आदर करो, किसको अनादर मत करो, सबको यथाजोग्य सम्मान दो। देखो जैसे एक लड़की जब घर में शादी होकर के आती है उसका ननद भी होता है, उसकी जेठ भी होता है, देवर भी होता है, सास भी होती है, ससुर भी होती है, लेकिन वो सबको सम्मान देती है, किसको असम्मान नहीं करती है, लेकिन हृदय में जिसको बैठा करके रखती है, बोलो हृदय में जिसको बैठा कर रखती है पति को, पति का स्थान किसको नहीं देगी, अगर घर में कोई लड़ाई झगड़ा होगी तो वो अकेले किसको लेकर चली जाएगी बताओ, अपना पति को लेकर के अकेले चली जाएगी है। उसी तरह हमें अपना हृदय में जैसे मीरा कहती है मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न हो, जैसे गोपियां कहते उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध तीस, मन हमारे दस बीस नहीं माने एक ही मन है, ये एक मन को एक का चरण में ही दे सकते हो, दूसरे के चरण में नहीं है, दूसरे चरण में नहीं दे सकते हो, हृदय में केवल गिरिधर लाल को बैठा हो, लेकिन सबको सम्मान करो, किसको असम्मान नहीं करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ बिन सत्संग Oh,
देखिए कृष्ण का नाम जो है बहुत टेढ़ा है, लेकिन राम का नाम बहुत सीधा है। कह लो के मुंह में तो दांत नहीं है, जो वो कहते हैं आम आम आम, तो कोई बात नहीं, चलता है। भगवान मान लेते हैं कि राम ही बोल रहे हैं, जैसे वाल्मीकि जी ने मरा मरा कहा राम राम राम। तो आइए सभी लोग ताली बजा कर बोलेंगे राम का नाम बहुत सीधा है। आगे कुछ लोग ताली बजा कर गा रहे हैं, लेकिन पीछे जो है बिल्कुल ताली नहीं बजा रहे। और एक कई लोगों को मैं देख रहा हूँ, नींद की झोंका जो है बहुत प्रेम से मीठी मीठी नींद आ रही है। तो देखिए जब राम जी कुंभकर्ण को वध करके आया, तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या है कौन बताएंगे? नहीं पता। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। तो जब मार कर आए राम जी, तो निद्रा देवी बोली, देखो आपके बैकुंठ में ताला नहीं लगवा दिया तो मेरा नाम निद्रा देवी देगी। तो राम जी बोले, क्या ताला लगवाओगे देवी? बोले, ऐसा है आपकी कथा में जो श्रोता बैठे हैं उनके सर पे जाके बैठ जाऊंगी, और कोई कथा नहीं सुनेगा तो भाई भक्त थोड़ी थोड़ी जाएंगे। इसलिए बोले राम जी बोले, कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट 15 मिनट बाद बाद कीर्तन करवा दिया करूंगी। तो इसलिए निद्रा देवी का आक्रमण बहुत तेज है, यहाँ दोपहर का समय है, इसलिए ताली बजा कर गाएंगे सभी लोग। सिया राम सिया राम जय जय माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। आप लोग कोई करते हैं? करते हैं? देखिए एक व्यक्ति ने हाथ उठाया। अच्छा करते हैं, कई लोग हैं यहाँ के लोग अच्छे हैं। दिल्ली दिल्ली में तो नहीं करते, हाथ नहीं उठाते कोई, तो यहाँ करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। प्रातः काल उठ गई रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। यानी कि सुबह उठ कर के राम जी माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे,
तो बोले प्रणाम करने से क्या होगा, बोले चार लाभ है। क्या? बोले अपने से बड़ों को प्रणाम करने से चार चीजें बढ़ती है, वो क्या है? बोले आयुर्विद्या यशो बलम, पहले तो आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, यश बढ़ता है, आयुर्विद्या और विद्या भी बढ़ती है, यशो बलम, ये चार चीज बढ़ता है। इसलिए पल्ली पार कौन कौन जाएंगे? पल्ली पार इस पार नहीं, उस पार जहाँ पे राधा रानी रहती है, कौन कौन जाएंगे? लगभग यहाँ सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग हाथ उठा रहे हैं, तो आइए सभी लोग पल्ली पार जाएंगे प्रेम से। अरे जहाँ भी राजे जहाँ भी राजे राधा रानी अनबेली सरकार सवरिया कन्हैया सवरिया सवरिया कन्हैया हरे गुनया पे गुन सब चीज रंग गुनया पे गुन सब चीज देखिए महाराज ने बताया मुझे आप लोगों कि कीर्तन में जो नहीं नाचेंगे, जिनको नाचना आता है और नहीं नाचेंगे तो अगले जन्म में पेड़ बनेंगे, और इस जन्म में जो नहीं बोलेंगे अगले जन्म में क्या गुंगो गुंगो नहीं बोल पाएंगे। तो आइए जो लोग नाचना जानते हैं एक बार खड़े होकर ठाकुर जी का स्वागत करें नाच करके। कन्हैया हे नंद पर देवा सवरिया कन्हैया हे नंद पर देवा अरे जहां बिना जे Jai Ho!
I'm gonna make you mine.
और उधर सब ऐसे हाथ लेके बैठे हैं, ताली वाली कुछ नहीं है। एक बार सभी लोग हाथ उठाएंगे ऊपर ऊपर हाथ उठाकर क्या बोलना है? सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जोर से हाँ, सभी लोग एक बार हाथ उठाए, हाथ उठाकर बोलना है राधे राधे। एक प्यार से बोलो पर जाए प्यासा प्यास की दास प्यार कल्याणी। स्वामी ने प्रश्न करते हैं, हे सुत गोस्वामी, जैसे यहाँ भागवत कथा हो रही है, अगर किसी व्यक्ति को निमंत्रण दो ना भैया कथा सुनने के लिए आओ, अगर छोटी मोटी कोई बिजनेस हो, कोई नौकरी हो, बोलेगा मेरे पास में कथा सुनने के लिए कोई समय नहीं। लेकिन इसी परीक्षित महाराज उसी समय में वो चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती मतलब क्या? ये पृथ्वी के ऊपर में ये पहले राजत्व करते थे। पहले पृथ्वी हमारी एक थी, इसलिए देखो ऑस्ट्रेलिया, इसका नाम ऑस्ट्रेलिया नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये पांडवों का अस्त्रागार था, इसलिए वहाँ बहुत बहुत सारी स्थान है जो बिजड़ है, मरुभूमि। बोले क्यों? बोले अर्जुन ने वहां पर ब्रह्मास्त्र को परीक्षा की, इसलिए बहुत सारी जगह मरुभूमि है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान का नाम पर्थ है। अब नाम सुने होंगे, बोले पर्थ नाम क्यों? बोले पार्थ अर्जुन का नाम से पर्थ है। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह हम जाते हैं, वहां स्थान का नाम ब्रिजबेन, बोले ब्रिजबेन नाम से। बोले रसिया, रसिया मतलब क्या? बोले ऋषि मुनियों का यह स्थान था। बोले पहले वहां पर ऋषि मुनि वहां निवास करता था। एक स्थान का नाम मस्को,
मस्को क्यों नाम पड़ा? मोक्ष से ये मस्को नाम पड़ा। आप देखोगे ना भारत में जितने सारे नाम पृथ्वी में वो करी करी हमारी संस्कृत भाषा में मिलता जुलता हुआ। इसलिए बोले परीक्षित महाराज तो संपूर्ण पृथ्वी को पर राजत्व कर रहे थे। फिर हमने सात सात दिन तक कथा की सचमुच, फिर बड़ा आश्चर्य लगता है। और श्री सुखदेव गोस्वामी वो कैसे संत थे, एक स्थान पर उतना समय टिकते थे, एक एक गो दोहन करने के लिए जितने समय हो उससे ज्यादा नहीं टिकते थे संत। लेकिन 16 साल तक तो वो मुंह नहीं खोले, लेकिन जब एक बार उन्होंने मुंह खोला ना, 7 दिन तक उन्होंने मुंह ही नहीं बंद की, कंटिन्यू 7 दिन तक कथा ही कथा सुनाते रहे। बोले आप कृपा करके बताओ फिर ये व्यास देव ने ये भागवत कथा क्यों रचना की, आप कृपा करके जो पूछा और नहीं पूछा आप मेरे को सारे बात बताओ। तब श्री सुत गोस्वामी बोले श्री व्यास देव ये भगवान की सत्या वैसा बता, इन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से देखा है कलयुग आने वाले, लोग धीरे धीरे इनकी बुद्धि धीरे धीरे ह्रास होते जाएंगे। बोले क्यों? बोलते एक खान पान तो शुद्ध नहीं मिलेगी, दूसरी चीज है ये लोग ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ये इंटरनेट स्मार्टफोन टीवी नहीं होता था, लोग गंदी चीज को देखते नहीं इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करते थे। लेकिन ये गंदी चीज देखने से अभी 13 साल लड़की गर्भवती धारण करती है, इसलिए देखिए ये कलयुग आएगा, ये कलयुग में कोई ब्रह्मचर्य कोई पालन नहीं करेंगे। पहले 25 साल कंपल्सरी गुरु गृह में जाते थे, ब्रह्मचर्य पालन करते थे, और ये वेद पुराण नहीं होता था। क्यों? इनकी इतने मेधा शक्ति थी, गुरुदेव इनको रटाते 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 सब कुछ रटा देते थे, इतने इनकी स्मरण शक्ति। कलयुग में किसी बच्चे को किसी दुकान में भेजो 5-6 चीज के लिए, बोले आज पर्ची बना तो याद नहीं रहे, बोले इतने हमारी स्मरण शक्ति घटती जाएगी। इसलिए व्यास देव जी सब कुछ दिव्य दृष्टि से देखा, पहले एक वेद को उन्होंने 4 वेद रूप में विभाजन किया, फिर उन्होंने उपनिषद बनाए, फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र बनाए, फिर उन्होंने देखा स्त्री सूत्रों को वेद में अधिकार नहीं, इसलिए पंचम वेद श्री महाभारत जिसमें ये भगवत गीता बनाए। लेकिन इस सब कुछ बनाने का बावजूद भी इनकी शांति नहीं, बड़ी दुखी होकर के बैठे हुए थे। श्री नारद जी वीणा बजाते बजाते आए, बोले व्यास लगता है तेरी मन में शांति नहीं। बोले गुरु आप तो गुरु हो, गुरु मतलब क्या? बोले गुकार अंधकार रुकर तस्य निरोधक, जो अज्ञान को हटा करके हृदय में दिव्य ज्ञान को दिला दे। बोले आप तो गुरु सब कुछ जानते हो, आप सही बताए, मैंने जीव कल्याण के लिए इतने ग्रंथत रचना की लेकिन मेरे को पता नहीं चलता इसमें कमी किस चीज की है। तब श्री नारद जी ने बताया देखो तुमने दूसरे दूसरे धर्मों को जितने बढ़ा चढ़ा करके बताया, पैसा कमाओ दान दो स्वर्ग जाओ फिर वहां से किसी जगत में आओ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को बाहर भी जितने बढ़ा चढ़ा करके बताया, लेकिन जीव का जो असली धर्म है, जीव का असली धर्म कौन है? बोले जीव कौन है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाश, जीव ईश्वर का अंश है, उनको भक्ति करना प्रेम करना यही जीव का परम धर्म है। लेकिन इसी धर्म को विषय पर तुमने बताया नहीं दिल खोल करके, फिर तुमने ये नहीं बताया कृष्ण कैसे परार पर तत्व हुए भी भक्तों को प्रेम में कितने वशीभूत हो गए ठाकुर जी, गोपियों को प्रेम कैसे, मैया जसोदा के प्रेम में कैसे, श्री सखाओं के प्रेम में ठाकुर कितने वशीभूत हो गए, तुमने ये ब्रज की कथा हृदय खोल करके नहीं बोला इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रहा है। और तुमने क्या बताए? बोले संसार करो, करते 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 तुम बूढ़े हो जाओगे ना, हाँ जब रिटायर्ड लाइफ में थोड़ा समय मिलेगा थोड़ी सी प्रभु का भजन कर लो। बोले नारद जी ये संसार करते करते अभी तक इसको वैराग्य आया है? संसार करते करते देखो छोटी सी कथा सुन। बोले एक समय नारद जी वैकुंठ में पधारे, देखा वैकुंठ पूरा खाली, बोले प्रभु ये वैकुंठ खाली दुनिया में लोग इतने दुख कष्ट उठाते हैं, कुछ लोगों को ले आओ ना, कोई आपके लिए फूलों की माला बनाएगा, कोई आपके लिए रसोई बनाएगा, कितने सेवा है। बोले नारद जी मैंने 24 बार गया हूँ, कोई भी आने के लिए तैयार नहीं होता। बोले प्रभु संसार में सब दुखी कोई आना नहीं चाहते? बोले कोई आना नहीं,
बोले मेरे को विश्वास नहीं होता है। बोले तेरे ऊपर मैं ये दायित्व देता हूँ, जितने जीव मिले पकड़ करके वैकुंठ ले आओ। बोले ठाकुर जी आज ये वैकुंठ पूरा भर देना। नारद जी बिना बजाते बजाते आए, देखा एक किसान जेठ के महीना में खेती कर रहा था, पसीना पसीना बह रहा था। बोले ये तो जरूर जाएगा। बोले किसान भैया ठाकुर जी ने बताया जितने जीव चाहते उनको वैकुंठ ले आओ, वैकुंठ चलोगे अपना रास्ता देखो। बोले वैकुंठ चलोगे, मैं खेती कर रहा हूँ, गेहूं होगा, पुत्र परिवार, तेरे कोई काम काम नहीं, और किसका का अपना रास्ता देख। ठाकुर तो सही बता रहे थे। और थोड़ी दूर गए, देखा है कि माता जी को कुएं से पानी भरते हुए। बोले तो जरूर जाएगी। बोले माता जी वैकुंठ चलोगे? ठाकुर जी बोले जो मिले उनको ले आओ, जहाँ पर जन्म मृत्यु दुख कष्ट जरा व्याधि कुछ नहीं, आनंद ही आनंद है। बोले बाबा अभी मैं कुएं में पानी भरने के लिए आएगा, घर में जा करके रोटी सब्जी बनाऊंगी, वहां पर परिवार खाएंगे, और तू घर वैकुंठ जाना, मेरे पास में समय नहीं वैकुंठ जाने का। अभी जिस को बोले वही जाने के लिए तैयार है। बोले ठाकुर तो सही बता रहे। देखा एक 100 साल की एक वृद्ध घर की बाहर बैठा हुआ, सर पर हाथ देख रहे। बोले ये तो जरूर जाएगा। बोले भैया तुम्हारा नाम क्या? बोले कैलाश। बोले ठाकुर जी बोले जितने जीव मिले पकड़ करके वैकुंठ ले आओ, वैकुंठ चलोगे? बोले हाँ जाने का तो इच्छा है, लेकिन सारे काम पूरी हो गए क्या? बोले एक काम बाकी रह गई। बोले किस काम है? बोले जो बेटा का सगाई हो गई, अभी शादी हो जाने वाले, फिर तो मेरे सारे काम खत्म, फिर तो मैं वैकुंठ जाऊंगा। बोले भैया अभी तक तो कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं हुए, एक व्यक्ति तो किसी तरह से हाँ भरा, नारद तो पीछे पड़े। बोले कब आओ? बोले शादी हो जाएगी थोड़ी देर में, आ जाऊंगी। नारद जी आए। बोले क्यों कैलाश? बेटा का शादी हो गई। बोले आपकी आशीर्वाद से बढ़िया शादी हुई, घर में कितनी सुंदरी, कितनी अच्छी बहू आई, सबर होते ही प्यार छूती है, गरम गरम रोटी घी लगा करके सब्जी चाय पानी कितना सेवा करती है, बड़ी अच्छी लक्ष्मीवती जैसे घर में बहू आई। बोले अभी अभी चलो फिर वैकुंठ चलो। बोले नारद जी मैंने सुना अगर पुत्र होता है, ये पूत नाम का नरक से उद्धार होता है, अगर नाती पोती को देखा तो कहते स्वर्ग होता है। अभी बहु गर्भवती, कुछ दिन बाद में संतान होने वाले, कोई इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा पूरी हो जाए फिर तो सीधा वैकुंठ चलूंगा। नारद जी ने बोले भैया कब से कब? हाँ भरा। फिर नारद जी कुछ दिन बाद में आते हैं, देखते हैं वहां है ही नहीं। बेटे को पूछा पिताजी कहाँ गए? बोले पिताजी का स्वर्गवास हो गया। बोले हे भगवान एक चेला बनने वाला था वो भी सिधार गया। बोले ये घर छोड़कर कृष्ण भगवान हे अर्जुन। बोले जम जम व्यापी सर्ग भाव त्यजंत अंते कलेवरम तम तम एव कौत्तेय सदा तद्भावि भावित। कहते हे अर्जुन अंतिम समय में जीव जैसे चिंतन करते करते मरता है ठीक वैसे जन्म लेता। हम आगे सुनेंगे जिनका नाम पर ये भारत वर्ष हुआ है, भारत का नाम पर भारत वर्ष हुआ है। पहले भारत का नाम अजनाभ वर्ष था, ये भारत का हिस्सा में पड़ा इसलिए भारत। हम आगे सुनेंगे उनने सारी संसार की आसक्ति छोड़कर भजन के लिए गए, लेकिन लास्ट में एक हिरण का प्रति आसक्ति हुए तो दूसरे जीवन में हिरण बनकर के आते, फिर तीसरे जन्म में फिर जड़ भरत बनकर के आते हैं, एकदम जड़ जैसे रहते, जड़ नहीं वो जान बुझ करके जड़ बनकर के रहे। बोले क्यों? बोले अगर किसी जीवन में होनहार बनाना फिर संसार में फंसा देते, उसको मारना नहीं केवल उसका कमर तोड़ देना। बेटा खुश होकर के आया, मारा पिताजी को कमर में, पिताजी का कमर ही तोड़ दिया, अभी भाग नहीं पाया। फिर खुदो खुदा तो सचमुच से एक कलसी वहां पर निकला, और वो सर्प का आसक्ति थी ना, वो आंख फाड़ फाड़ करके देख रहा था, इतनी कमाई बेटा ले जा रहा है, बेटा ले जा रही है। देखो आपको ना ये सब गप्पे लगेगा, आपको ये सब गल्प लगेगा, नहीं सच है। कल आपको एक चीज ला कर मुझे दिखाऊंगा। मैंने कथा करने के लिए गया था बंगाल में झारग्राम, मैंने जब ये कथा सुनाई एक व्यक्ति ने एक न्यूज पेपर मेरे को ला करके दिखाया, आप कल को दिखाएंगे आपको, एक न्यूज पेपर मेरे को दिखाया। बोले बाबा आप जो बता रहे हैं सही बताए, देखो ये न्यूज पेपर पढ़ो, देखो इसमें क्या लिखा हुआ था। एक व्यक्ति की घर का भित्ति खनन कर रहे थे फावड़ा से,
खोदते खोदते छन करके आवाज हुई, बोले भैया आवाज क्यों हुई? खोदा तो दो कलसी निकला वहां से, जिस कलसी के अंदर में सोने चांदी की मोहर है और किसी राजा का उसमें नाम लिखा हुआ है, और दो जहरीले सर्प वो कलसी में एकदम लपेट करके बैठे हुए, किसी तरह से उसको पास में फटकने नहीं दे रहे थे। इतने में पुलिस में खबर हो गई, ऐसे ऐसे भीती खनन करते करते तो कलसी जिसमें सोने चांदी की मोहर है, इतने में पुलिस ही आ गया, उसको जबत कर लिया और वो जहरीले सर्प को एक बोरे में भर करके उसको 3 किलोमीटर दूर में छोड़ करके आए। छोड़ करके आए तो देखा आधा घंटा है, देखा फिर वहीं पर दोनों सर्प घूम रहे, किसी तरह से उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। कल आपको वो न्यूज पेपर ला करके आपको दिखाऊंगा, देखना उसमें डिटेल से लिखा हुआ कौन सा गांव कौन सा व्यक्ति, डिटेल से उसको अगर लिखा हुआ है। इसलिए ये आसक्ति इतने जोर जबरदस्ती ये आसक्ति हुआ करता है। इसलिए आप लोग भी कोशिश करना कि संसार में आसक्ति करने पर जन्म जन्मांतर तक हम इस दुनिया में भटकते रहे, इसी से उद्धार नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, किसी तरह से मुक्ति नहीं होगी यहाँ से। ये मथुरा की घटना, हम मथुरा में रहते हैं, वहां से एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, उसने किसी घर में कुत्ते रूप में जन्म लिया है। वो अपना बेटे को स्वप्न दिया, बोले बेटा मैं यहाँ पर कुत्ते रूप में यहाँ पर जन्म लिया है, मेरे को आकर के ले जाओ, मेरे को देख नहीं रहे ठीक से। उसने सोचा कोई स्वप्न भवन होगा कोई, उसने ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरे दिन फिर स्वप्न आया, बोले बेटा तेरे को मैंने बताया मैं अमुक स्थान पर आकर देखना, वहां पर मेरे कुत्ते रूप में जन्म हुआ है, इसलिए मेरे को यहाँ से लेकर के जाओ। फिर उसने अपना माँ को बताया, बोले माता जी ऐसे ऐसे पिताजी दो दो बार स्वप्न आया, पहला बार तो सोचा ये कोई छूट मोट होगा, बोले चलो तो हम दोनों चलते। सचमुच से गया तो घर में कुत्ता, वो कुत्ता जाते बच्चे के ऊपर में छलांग लगाकर, जैसे प्यार करता ना उसको छलांग लगाकर पकड़ा उसको, फिर उनको कितने हजार रुपया देकर खरीद करके लाए, फिर अपना घर में रखे। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, हम जैसे सोचते सोचते शरीर छोड़ते हैं, हमारे बीच से ही जन्म ग्रहण कर लेना पड़ता है। हाँ देखो अभी ये चीज अच्छे तरह समझो, भैया हम तो संसारी हैं, ये बच्चे किसकी है बैलून खेल रहे, ये बच्चे है किसकी, उसको बच्चे को अपना गोद मिलो। इसलिए देखो अभी प्रश्न है, भैया हम तो घर गृहस्थी है, हमारा तो बेटा है नाती पोती संसार हमारा सब कुछ, हम तो सब छोड़कर संत बन ही नहीं सकते, फिर हम घर में ऐसे कैसे रहे जो घर में रहते हुए भी रहे घर में लेकिन ये आसक्ति हमें बांध नहीं पाए, ये आसक्ति हमें बंधन में, ये आसक्ति हमें डाल नहीं पाए, हमें क्या करनी चाहिए? तब भगवान कृष्ण गीता में ये बात को कहते हैं, बोले हे अर्जुन जो कुछ तुम करो मेरे लिए क्या करो, पैसा कमाओ, पैसा के बगैर कुछ होता ही नहीं, पैसा कमाओ लेकिन पैसा क्यों कमाओ, ठाकुर जी की सेवा के लिए कमाओ, ठाकुर जी की सेवा के लिए अपना संसार करो, लेकिन किसका संसार, बोले भगवान की संसार, ये ठाकुर जी का संसार है। बच्चे किसके हैं, ठाकुर जी के, हम किसके, बोले हम ठाकुर जी की, पत्नी किसकी, बोले ठाकुर जी की सेविका है, घर बनाओ सुंदर घर पे बनाओ, लेकिन घर किस लिए बनाओ, बोले भगवान की दरबार है, ठाकुर जी की ये दरबार है, ऐसे नहीं घर को सामने अपना नाम लिख दिया ये निवास है, नहीं अपना नाम पर मत लिखा करो, जैसे राम निवास कृष्ण निवास निकुंज निवास, भगवान का नाम दो अपना नाम मत दिया करो, तो घर में आगे भटोगे वहीं पर संसार में चक्कर काटते रहोगे ऊपर, इसलिए घर का नाम ठाकुर का नाम दो, ठाकुर ने ये सब कुछ दिया भगवान की दरबार है। घर में झाड़ू लगाओ, कहाँ लगा रहे, बोले भगवान के दरबार में लगा रहे, ठाकुर जी की दरबार में हम लगा रहे हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन अगर तुम मेरे को मूल रूप में रख करके अगर ये संसार करोगे तो ये संसार नहीं, जिस घर में ठाकुर जी की भजन पूजा कीर्तन होता है क्या तो घर नहीं वही घर ही वृंदावन, वही घर ही वृंदावन है, लेकिन वृंदावन बनाने के लिए घर को सचमुच से वृंदावन बनाना पड़ेगा, सभी की गले में तुलसी की कंठी घर में हो, सबके सब माला जप करे, सबके सब भगवान की भक्ति करे, सचमुच से घर में जो कुछ बनता है ठाकुर जी को भोग लगे, ठाकुर जी को घर में सत्संग कीर्तन हो,
घर में सत्संग कीर्तन हो तभी वो घर भगवान की धाम बन जाएगी। तब जैसे एक व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है देखना पूरा परिवार आकर के घिरे हुए रहते हैं, बोले बेटा जी मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। दामाद कहता है पिताजी ससुर जी पहचान रहे कि नहीं, मैं आपकी छोटा दामाद हूँ, मैं आपका नाती हूँ, मैं आपका पोती हूँ। देखो ना चारों तरफ से सब घिरे हुए रहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अंतिम समय में ऐसे देखते देखते सबको देखते देखते शरीर छोड़ता फिर क्या होगा, संसार में भटकते रहोगे फिर नहीं। अगर सबकी गला में तुलसी कंठी है, सबके सब तिलक लगाते हैं, सबके सब भगवान की भजन करते हैं, अगर उनको याद करते करते जाओ ना सीधा वैकुंठ जाओ, सीधा ठाकुर जी को पास में। बोले क्यों? बोले सबके सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भजन कर रहे हैं सबके सब, अगर इनको याद करते करते ठाकुर का धाम में जाओगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन अपना घर का परिवेश ऐसे बनाओ जैसे लगे घर में हम ठाकुर जी की मंदिर में रह रहे हैं, भगवान की मंदिर में रह रहे हैं। ठीक है ना? देखो ये जो कथा जो करवा रहे हैं हमारे प्रभु जी विनोद बिहारी प्रभु जी, ये प्रभु जी से कथा करा रहे हैं। देखो इनकी बहू देखो, ये गले में कंठी देखो तिलक देखो, इनकी दो बेटे देखो गले में तुलसी कंठी तिलक है, इनके एक नाम पोती भी देखो गले में वो भी कंठी धारण की है, वो भी हरिनाम करते हैं। इनके पूरा परिवार को देख लो, ये सबसे से भगवान की भक्ति भजन कर रहे हैं। और उन्होंने एक परिवार भजन किया तो उन्होंने क्या किया, भैया ये रस सबको मिलो, ये आनंद देखो, ये जो कथा कर रहे हैं कुछ लोगों का धारणा है भैया कथा करके पैसा कमा रहे हैं। नहीं, इन लोगों ने कितने लाख रुपया खर्चा करता हूँ जो अब तो आमदनी नहीं कर सकते, ये पैसा कमाने के लिए कथा नहीं कर रहे, इसलिए कथा कर रहे हैं हम जिस रस हमें मिला जिस आनंद हमें मिला ये एटा वासियों को भी ये आनंद मिले, ये लोग भी उसी रस में डूबे, ये लोग भी उसी भक्ति रस को पान करें। केवल एक भावना से ही इन्होंने इतने पैसा खर्चा करके भक्तों को बुला करके कथा करवा रहे, इनके और कोई उद्देश्य नहीं है, केवल एक उद्देश्य है घर घर भगवान के धाम बने, सबके सब शराब छोड़े बीड़ी सिगरेट छोड़े, सबके सब भक्ति करे पिता माता की सेवा करे, हर घर घर में प्रभु की भजन हो, हर घर घर वृंदावन धाम बन जाए। केवल एक ही भाव से ये लोग कथा करा रहे हैं, किसी तरह से यहाँ के लोग भी प्रभु की भक्ति रस में ये भी डूब जाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं बोले व्यास अगर तू शांति बनना चाहते हो इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ को बनाओ जिसमें पूर्ण शांति तुम्हें मिलेगी। तब उन्होंने ये उपदेश देकर के उन्होंने वहां से चले गए और श्री व्यास देव जी भक्ति युक्त समाधि को द्वारा समाधिस्थ जब हुए तब उन्होंने संपूर्ण गोलोक वृंदावन को दर्शन किया। गोलोक वृंदावन को दर्शन करते हुए उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को उन्होंने रचना की। बोले भैया ग्रंथ तो बड़े सुंदर बन गया, ग्रंथ तो बड़े सुंदर बना है, लेकिन ये ग्रंथ पढ़ाए किसको? लेकिन जिस बेटे के लिए मैंने ये ग्रंथ बनाया, लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी बचपन से ही ये तो साधु बन करके चला गया। व्यास देव के चार चेले थे, बोले भैया मेरा आगे तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, वो तोते को पकड़ करके ला सकते हो? बोले जंगल में बहुत सारे तोते हैं, हमें क्या पता आपका तोता कैसे? बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं तुम चार चेलों को चार श्लोक सिखा देता हूँ, ये श्लोक सुन करके जो अपने आप तोता पकड़ में आएगा वो मेरे वही तोता है। तो उन्होंने पहला चेले को एक मंत्र सिखा दिया। बोले ये कौन सा मंत्र है? बोले राधा रानी भागवत में एक वेणु गीत है, वो वेणु गीत में श्री श्याम सुंदर कृष्ण कितने सुंदर है वो सुंदरता की राधा रानी वर्णना कर रही है। बोले बरहा पीड़म नटवर बहु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत पास कनक कपिशयम वैजयंत च माला रंध्रान पीनुरधर सुधया
पुरयान गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तात गीत कीर्ति। ये श्लोक में बताए कृष्ण कितने सुंदर है, इसलिए कहते हैं ना बांके बिहारी की देखे छटा मेरो मन है गयो लता पटा। अरे बांके बिहारी की देखे छटा आजी मेरो मन है गयो लता पटा। मेरो मन है गयो लता पटा। अरे मेरो मन हो गयो लता पटा। लटा पटा जी लटा पटा लटा पटा जी लटा पटा अजी मेरो मन है गयो लटा पटा। अरे कब से खोजो मन बाहरी को, कब से खोजो मन बाहरी को, अरे आगे उसका पता उसका पता आगे मेरे मन है दिल में है सदा रे हमारे घर से पता रे हमारा जैसे आगे घटा आगे घटा आगे मेरे मन है गयो लटा। अच्छा वहां के भी हरे कृष्ण मिलेंगे, बोले जिसने राधे राधे रटा है उसी को वहां के बिहारी मिलेंगे। तो राधे राधे रटेंगे आप लोग, कौन कौन रटेंगे? अच्छा कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे पीछे, इसके मतलब नहीं रटेंगे क्या? तो बाकी बिहारी मिलेंगे राधे राधे रटने से, क्योंकि राधा के बिना शाम, इसलिए सभी लोग राधे राधे रटेंगे। एक बार सभी लोग हाथ उठा कर कितने सुंदर, उन्होंने इनकी सुंदरता को वर्णना की। ये श्लोक सुनते ही
सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म ध्यान में थे, वो स्वस्थ थे, भगवान का निराकार निर्विशेष, इनका तो रूप गुण है लेकिन उसमें तो कोई आनंद नहीं। लेकिन हमारे कृष्ण तो बड़े सुंदर हैं, बड़े प्यारे हैं, बांके बिहारी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पहले श्री जनक महाराज ब्रह्म ज्ञानी थे, वो भगवान को निराकार निराकार बोलते थे। लेकिन जब राम आए जनकपुरी में, प्रभु राम को देखते ही कहते इन्हें दिलो तत्व अति हर सीता बर बस ब्रह्म सुधी मन त्यागा। जब उन्होंने राम को देखे ना, वो जो भगवान को बोलते थे निराकार निराकार निराकार, वो अपने आप खत्म हो गया और एकदम प्रभु की रूप में संपूर्ण रूप में डूब गए। फिर तो ये समझ गए भैया ये जो कृष्ण ब्रह्म नहीं, ये कृष्ण परम ब्रह्म है, कृष्ण ये परम ब्रह्म कृष्ण है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी पहले सोचते थे भैया भगवान का निराकार निराकार, लेकिन कृष्ण इतने सुंदर जब सुना ना, अपने आप उन्होंने सब कुछ भूल गए और उन्होंने सब छोड़ करके आ गए। आकर के बोले बोले भैया ये श्लोक तुम्हें कहाँ से मिला, इतने सुंदर कृष्ण इतने सुंदर कहाँ से मिले। बोले हमारे गुरु जी ने बताए, हमारी एक तोता उड़ते हुए कहीं चले गया, उसको पकड़ कर गिलाओ। मैंने कहा भैया जंगल में बहुत सारे तोते हैं, आपका तोता कैसे पहचान में आएगा। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, ये श्लोक सुन करके अपने आप जो पकड़ में आ जाएगा वही मेरे तोता है। बोले मैं वही तोता हूँ, मैं वही तोता हूँ। बोले भैया वो देखने में तो बड़े सुंदर है, उसको बताओ वो रहते हैं कहाँ पर। एक उदाहरण देकर समझाए, बोले भैया भक्ति कृष्ण को करे तो क्यों करे, इसका कारण बताए। पहला कारण बताए, जैसे आप किसी लड़की के लिए कोई लड़का देख रहे हो, सर्वप्रथम क्या देखोगे, लड़का देखने में कैसे, भले ही कोई चीज मत देखो उसका पर्सनालिटी कैसे सबसे पहले देखोगे। और हमारे बांके बिहारी तो इतने सुंदर है, कहते हैं त्रिभुवन कमन प्रियम कमाल रूपम कोटि कंदर्प कामनीय विशेष शोभन करो काम देव विधान परास्त हो जाए। इसलिए गोपियां कभी कभी कृष्ण को ताना मारती, बोले कन्हैया तू यदि बहुत लाली गला करने जाती है, अच्छा हो गया तेरे को परमात्मा ने लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, अगर तू लाली होती ना तू इतने सुंदर पृथ्वी में सारे क्षत्रिय आपस आपस में लड़ झगड़ करके मर जाते तेरे को पाने के लिए, अच्छा हुआ तेरे को लाली नहीं बना करके लाला बना दिया। मतलब हमारे कृष्ण इतने सुंदर है, इसलिए कृष्ण सुंदर है। दूसरा प्रश्न करते हैं, बेटा को देखा सुंदर, दूसरा प्रश्न क्या करोगे, भैया बेटा कुछ कमा धमा रहे कि नहीं, ऐसे नहीं बेटी को शादी देके बेटी तो भूखी नहीं मर जाएगी। दूसरी प्रश्न वो कहाँ रहते, कोई पैसा है कि नहीं। दूसरा चला बताया, बोले क्या बताए, बोले जयति ते भिका जन्मना प्रजा बोले पैसा के बारे में पूछ रहे हो, लक्ष्मी जी की चरण की सेवा करती है। बोले एक लक्ष्मी नहीं, बोले हजार हजार लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सिद्धमानम, हजार हजार लक्ष्मी जी से वृंदावन में छाप लगाती है, जिसकी भूमि चिंतामणि, जिनकी वृक्ष सारे कल्प वृक्ष, जहां पर पानी नहीं अमृत है, जहां पर चलना नहीं, जब वृंदावन में कोई चलते ही लगता है कोई सुंदर नृत्य कर रहे हैं, अगर कोई बोली बोले ना लगता है जैसे ये भजन गा रहे, बड़े सुंदर भजन गा रहे। बोले भैया माला माल है। फिर तीसरा प्रश्न किया, देखने में बेटा सुंदर, घर में पैसा की कमी नहीं। तीसरा है फिर परिवार के बारे में पूछे, बोले भैया उनके परिवार कैसे, सास कैसे, ससुर कैसे, ननंद कैसे, उनकी भैया कैसे। तीसरा चला बोल दिया, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। उनकी पिताजी का नाम नंद, नंद मतलब सबको जो आनंद दे,
इसलिए कहते हैं ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लाल की, सबको आनंद देने वाले। बोले मैया का नाम बोले यशोदा, बोले यशोदा मतलब क्या, सबको जो जस देती, सबका आदर। बोले भैया, बोले ताऊ भैया, बोले विवाह परिवार भी बड़ा सुंदर। देखो चौथा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण, लड़का दिखने में सुंदर, पैसा भी कमाता है, परिवार भी बढ़िया, चौथा प्रश्न है उसका नेचर कैसे। ऐसे नहीं दिन भर पीपा करके पढ़ा तो नहीं रहता है, और बात बात पर क्रोध तो नहीं आता, हाथ तो उठाता नहीं, क्रोध नहीं, इसका उसका नेचर कैसे है। इतने चौथा चला, चौथा श्लोक बोल दिया, बोले अहो बकियम स्तन काल कोटम जिज्ञासया अपि असाधि लेने आतुचितम तत्त्वम् कम्पादयालु शरणं व्रज। उसकी नेचर, वो इतने दयालु, इतने कृष्ण दयालु है, कितना है।